नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट का रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम या न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे जुलाई का राशिफल कि जुलाई का महीना सबके लिए कैसा रहेगा। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा अपने स्टूडियो में रेनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपके एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। जुलाई का राशिफल आज है 17th है ना, 17th ऑफ जुलाई 2024 मंडे, और ये वीडियो अपलोड होगी ठीक 5 दिन बाद 22nd ऑफ जुलाई 2024 फ्राइडे को। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का ये चेंज है, और ये इंडिया की कुंडली आज तक के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस, और हमारी जो प्रिडिक्शंस होती है लगन से होती है, फर्स्ट हाउस से। ये लगन होता है, फर्स्ट हाउस होता है। अपनी कुंडली खोलिए, बर्थ चार्ट खोलिए, और यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है उसी से हमारी प्रिडिक्शन मैच कीजिए। अगर 10 है तो आप कैप्रिकॉन है, 8 है तो आप स्कॉर्पियो है, तो उसी से हमारी प्रिडिक्शन मैच कीजिए। मून साइन से हमारी प्रिडिक्शन नहीं होती, और ये पॉइंट्स हमने कल पढ़ लिए थे, आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। तो हम सीधा लगना पे आते हैं। 7 नंबर लिब्रा तुला, शुक्र की पहली राशि दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों जुलाई का महीना हो गया नंबर 7, दोस्तों तुला भी हो गया नंबर 7, तो वैसे कोइंसिडेंस कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दोस्तों पैदा होने के चांसेस बन जाते हैं। उसे लिब्रा की बात करके देखें, जून में दोस्तों अगर हम लोग बात करके देखेंगे ना, तो सभी के सभी ग्रह दोस्तों इनके 9th हाउस में आ गए। सूर्य भी दोस्तों 9th हाउस में था मिथुन के अंदर, तो बुध भी 9th हाउस में था मिथुन में, तो शुक्र भी 9th हाउस, बहुत अच्छा टाइम था दोस्तों। अगर हम जुलाई की बात करके देखें दोस्तों, वो सभी के सभी ग्रह आते होंगे 10th हाउस करियर में या दोस्तों इनकम हाउस में, यानी कि दोस्तों जुलाई का महीना भी बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है इनकम के लिए, गेन के लिए, फॉरेन इनकम के लिए। लक की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करके देखें, काफी ज्यादा बेटरमेंट रहेगी यहाँ पे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि शनि का जो रेट्रोग्रेशन होगा, अगर हम लोग देखें 5th हाउस में त्रिकोण के अंदर, उसमें कल आपको एक बात बताई थी कि वृषभ के अंदर और तुला लगन के अंदर, यानी कि लिब्रा सेंडेंट के अंदर, टॉरस सेंडेंट के अंदर शनि का जो रोल होता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां पर नेगेटिव नहीं करता। तो बेसिकली यहाँ पर जो शनि का जो रेट्रोग्रेशन होगा वो कोई बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट नहीं करने वाला एज कम्पेयर टू अदर लग्न, तो यहाँ पे बेनिफिट ही मिलने वाला है, कोई ज्यादा नेगेटिविटी, ज्यादा पुल डाउन दोस्तों नहीं रहने वाला। ओवरऑल हम लोग देखे जाए दोस्तों जुलाई का महीना मुझे लगता है दोस्तों काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। मंगल की दोस्तों प्लेसमेंट होगी आपके 8th हाउस के अंदर, कब होगी दोस्तों? मंगल 12 तारीख को, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट दोस्तों अच्छी बात क्या है, अपने 2nd हाउस पे इम्पैक्ट डाल के दोस्तों आपके वेल्थ में एक्यूमुलेशन होगी, 3rd हाउस पे इम्पैक्ट डाल के दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ के अंदर बढ़ोतरी होगी, और 11th हाउस पे इम्पैक्ट डाल के दोस्तों वेल्थ का लॉर्ड 11th हाउस पे, यानी कि इनकम में दोस्ती बढ़ोतरी होगी, इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होगी। तो सेविंग्स की बात करके देखें, वेल्थ की बात करके दोस्तों चीजें बेहतर, क्योंकि दोस्तों सभी के सभी ग्रह आपके यहाँ पे आ जाएंगे 4 नंबर के अंदर, और यहाँ से दोस्तों आपका जाएगा घर वाले पार्ट पे, तो घर खरीदने के मौके, गाड़ी खरीदने के मौके और करियर में एनहेंसमेंट के मौके काफी ज्यादा मिलने वाले हैं। तो लिब्रा का सेंडेंट दोस्तों एक ऐसा लग्न बनने वाला है जिसको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा पूरे जुलाई के टाइम में। चलिए लिब्रा तुला का भी हो गया, अब हम आते हैं 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक, तो इनके लिए कैसा रहेगा मंगल की दूसरी राशि? चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना है अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहे तो मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए, कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो फोन उठाइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। जो स्कॉर्पियो वृश्चिक की बात करें, इनके लिए दोस्तों बहुत बड़ा रिलीफ होगा, बिकॉज दोस्तों पूरे जून में, दोस्तों ऑलमोस्ट पूरे जून के टाइम पे सभी के सभी दोस्तों मेजर जो प्लैनेट थे, जिसमें फाइनेंस के प्लैनेट भी थे, फैमिली का भी था दोस्तों, मैरिज का भी था, वो सभी दोस्तों 8th हाउस में कहीं ना कहीं धक्के खा रहे थे। यहाँ पे धक्कम बेलोर से दोस्तों बहुत नेगेटिविटी में थे, ब्लैक होल में थे। दोस्तों इमोशनली बात करें, प्रोफेशनली बात करें, फिजिकली बात करें, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दोस्तों नजर नहीं आ रही थी। अब दोस्तों थैंकफुली इस पूरे जैसे दोस्तों महीने की शुरुआत होगी, और आप नोटिस करेंगे तो वीनस भी नंबर 4 में आ जाएगा, 8th हाउस को छोड़ दिया दोस्तों। तो मंगल भी यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे टॉरस के अंदर आ जाएगा दोस्तों, ये 7th हाउस के अंदर, केंद्र के अंदर बहुत बड़ा काम करेगा। तो सूर्य हम लोग देखेंगे 9th हाउस में भाग्य स्थान में आ गया, करियर का लॉर्ड तो 10th एंड 9th बहुत ही बड़ा महाराज योग दोस्तों जागृत हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें मर्क्यूरी की बात करें बुध, तो बुध आपके यहाँ पे आ जाएगा, आपके 10th हाउस के अंदर बुध आ जाएगा। यहाँ पे शुक्र की बात करें दोस्तों, वो भी आपका 10th, यानी कि 9th हाउस और 10th हाउस दोस्तों ये दोनों बहुत एक्टिव है दोस्तों। भाग्य का लॉर्ड हो गया, और दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका कर्म स्थान, तो कर्म और भाग्य मिलकर दोस्तों यहाँ सिर्फ आपकी धार्मिक जो धार्मिकता होगी आपकी दोस्तों वो बढ़ेगी,
आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें, काम काज की बात करें, रुके हुए कामों की बात करें, पेमेंट्स की बात, दोस्तों सब कुछ रिलीज होने यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों क्योंकि मंगल भी आपका केंद्र के अंदर आके आपके सेल्फ हाउस पे इम्पैक्ट डालेगा, तो आपका रोब, आपकी शक्ति, आपका इंप्रेशन सामने वाले पे, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हैंड आई कनेक्शन, दोस्तों ये सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा। तो दोस्तों वृश्चिक वालों के लिए बहुत बड़ा महीना, देखो सारे के सारे ग्रह दोस्तों या तो आपके केंद्र में होंगे 10th 7th में, या फिर दोस्तों भाग्यश के अंदर, भाग्य स्थान के अंदर। और सब भूलिएगा मत कि अभी भी दोस्तों गुरु आपके सेकंड हाउस 7th हाउस में रोटेट कर रहे हैं, और गुरु के साथ दोस्तों मंगल का जाना यानी कि भाग्य में दोस्तों बहुत ज्यादा वृद्धि। और दोस्तों जुलाई का महीना मैजिकल मंथ रहने वाला आपके लिए, जो प्लान कर रहे हैं आपने प्लान करिए, मुझे लगता है नहीं कोई नुकसान होने वाला आपको ज्यादा। चलिए 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक का भी होगा, मतलब 9 नंबर सजिटेरियस धनु गुरु की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो बात करते हैं हम 9 नंबर सजिटेरियस धनु गुरु की पहली राशि। दोस्तों इनके लिए भी सुंदर खबर, क्योंकि दोस्तों सभी के सभी ग्रह दोस्तों आपके 10th करियर में होंगे, आपके 11th गेम्स के अंदर होंगे। इसमें तो 12-16 तक जो सूर्य के जो मूवमेंट रहने वाली है बहुत ज्यादा शानदार मूवमेंट दोस्तों रहने वाली है। सूर्य आपके कुंडली में भाग्य स्थान का लॉर्ड, करियर हाउस में करियर में बढ़ोतरी होगी। तो बेसिकली दोस्तों एक मंगल की जो मूवमेंट है दोस्तों वो थोड़ी सी हम लोग कह सकते हैं कि नेगेटिव होगी। तो 12 तक मंगल आपके 5th हाउस में लक को संभाल के चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद मंगल आ गया आपके 6th हाउस के अंदर, ये थोड़ी सी नेगेटिविटी दोस्तों क्रिएट करेगा। आपको पेट की समस्या, हेल्थ के साथ बच्चों की हेल्थ की समस्या होती है वो परेशान कर देती है, चोट आपको थोड़ा परेशान कर देती है, चोट लगने दोस्तों योग बन जाते हैं यहाँ पे। बट अच्छी बात दोस्तों ये वाला मंगल जो होगा अपने 8th हाउस को देख के जो नेगेटिविटी बहुत बड़ी हो सकती है, चोट बहुत बड़ी हो सकती है, उसको कम कर देगा, उस पर कहने के अंकुश लगा देगा, उसको कहने के ब्रेक लगा देगा। तो दोस्तों फिजिकल हार्म होने के चांसेस भी ज्यादा लगते हैं, और खासकर दोस्तों इनको डायबिटीज के इश्यूज हैं उनको थोड़ी ज्यादा परेशानी। जिन लेडीज को दोस्तों पीरियड्स के टाइम पे ब्लड के इश्यूज रहते हैं, ज्यादा ब्लड लूज होता है, HB दोस्तों नीचे आया था, उसमें चिड़चिड़ापन आया था, उनको थोड़ी यहाँ पे परेशानी हो सकती है। बट ओवरऑल हम लोग देख के चले बाकी सारे कॉम्बिनेशन दोस्तों करियर की बात करें और इनकम की बात करें वो दोस्तों वो मेंटेन रहेंगे। फिजिकल हार्म से आपको बच के चल रहे, करियर में दोस्तों फ्लरिशमेंट है। फिजिकल हार्म या थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें लेडीज के लिए, उनको थोड़ी इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज को। बिल्कुल, हम लेडीज को अपनी हेल्थ का ध्यान ध्यान में देखे चलना। चलिए 9 नंबर सजिटेरियस धनु का भी होगा, हम आते हैं 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर शनि की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों अब इनको यहाँ पे, अब तक दोस्तों क्या था इनके कुंडली के अंदर, काम बड़ा अच्छा और था कि अब तक तो सारे के सारे ग्रह 5th हाउस में थे, लक वाले हाउस में, एजुकेशन वाले हाउस में, फिनेंस वाले हाउस के अंदर, आपके माइंड के एप्लीकेशन हाउस के अंदर, दोस्तों वो सब कुछ बढ़िया था यहाँ पे। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, अभी तक 6th हाउस में दोस्तों सारे ग्रह देखे 10, 11, 12, 1, 2 6th हाउस में थे, तो अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अब सब ग्रह दोस्तों मूव करके आपके 4 नंबर में आ जाएंगे, कर्क राशि के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों कर्क राशि के अंदर आने केंद्र में आना तो बुध का यहाँ पे कर्क राशि में आ जाना, दोस्तों बिजनेस का कर्क राशि में आना जो कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। सेल्फ हाउस को देखना, लव मैरिज, मैरिज प्रॉस्पेरिटी, मैरिज में प्रॉस्पेरिटी, दोस्तों ये सब काम बड़े अच्छे हो जाएंगे यहाँ पे दोस्तों। मंगल जो कि आपके चार्ट पर आप नोटिस करें जमीन का कारक है, वो आपके 5th हाउस में आएगा, केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड, जमीन से बेनिफिट, मदर की जमीन से बेनिफिट, दोस्तों जमीन का यहाँ पे फायदा, यहाँ पे मिल गया अपने को शादी का फायदा। दोस्तों लाइफ का हर वो एस्पेक्ट जो आपको शादी के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर आपको मदद करके चलता है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट वुड बी कि सूर्य का भी दोस्तों यहाँ पे आ जाना 4th हाउस के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के लिए, मेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये वाला महीना शादी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए और लग्जरी के लिए, ये दोस्तों कहीं ना कहीं अच्छी खबर लेकर आएगा, यहाँ पे नेगेटिविटी कम रहने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों हम लोग देख के चले अच्छी बात, दोस्तों मंगल का यहाँ पे आ जाना तो वो सब लोग CA की तैयारी कर रहे हैं, इंटर के एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है दोस्तों, नवंबर में शायद एग्जाम होंगे आपके, उसकी तैयारी कीजिए। जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पे अच्छी खबर, IIT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी खबर। ओवरऑल हम लोग देख के चले इनके लिए दोस्तों, कैप्रिकॉन वालों के लिए जून से बेहतर जुलाई रहने वाले, इनको भी कोई ज्यादा शिकायत नहीं रहेगी इसमें। चलिए 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर का भी हो गया, अब हम आते हैं 11 नंबर एक्वेरियस को। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सोमेटसाइटी से, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए बाकी का 2 लग्नों का जानने के लिए कैसा रहेगा जुलाई का मंथ। 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ शनि की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों ये अच्छा रहने वाला है, यहाँ पे देखिए दोस्तों सूर्य शुक्र दोस्तों कैंसर में आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे आपका सूर्य और शुक्र दोनों कैंसर कर्क के अंदर होंगे, दोस्तों ये दोनों बनते हैं आपके 6th हाउस, यानी कि दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करके देखें शादी वाला पार्ट वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, वीक इन द सेंस कि हस्बैंड वाइफ की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, या दोस्तों 7th का लॉर्ड
जब भी 6 हाउस होगा यानी कि अपना 12th हाउस में आएगा तो पार्टनर पे उसको खर्चा हो जाता है, नेगेटिव खर्चा। तो उनके हेल्थ का बेसिकली हम लोगों ने ध्यान में देखा चलना है यहाँ पे। मान लीजिए उनके दशा भी, उनके अपनी कुंडली में भी दशा नेगेटिव चल रही है, मार्केश की दशा चल रही है या राहु की दशा चल रही है, तो उनकी फिर उस समय जो नेगेटिविटी दोस्तों बढ़ सकती है ज्यादा। तो उनकी हेल्थ पर ध्यान में रखें, उनकी कुंडली पर ध्यान में देखें चलिए अपने पार्टनर की। और उसे क्योंकि 6 हाउस में शुक्र का भी आना हो रहा है यहाँ पे, अगर आप नोटिस करेंगे तो 6 हाउस यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और 6 हाउस दोस्तों डायरेक्टली वही चीजों को डिनोट करते हैं लेडीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो भी थोड़ा हार्मोन्स का ध्यान में देखे चले। बट अदर देन दैट दोस्तों हम लोग नोटिस करेंगे दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मंगल टॉरस में आगा, बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, कोई दिक्कत नजर नहीं आती। तो मरकुरी यहाँ पे लियो में आगा 7th हाउस के अंदर, तो भाग्य को बढ़ाएगा आपके यहाँ पे, और तो शुक्र भी जाता हुआ आपके लियो के अंदर आ जाएगा तो भाग्य को बढ़ाएगा। तो थोड़े से दोस्तों है नेगेटिविटी, पर इतने नेगेटिविटी है कि हम लोग झेल सकते हैं दोस्तों। और शनि आपका फर्स्ट हाउस सेल्फ का लॉर्ड, आपके सेल्फ हाउस में रेट्रोग्रेड रहेगा, तो स्थिति को संभाल के चलेगा, आपके लिए कोई ज्यादा परेशानी क्रिएट नहीं करेगा। तो ओवरऑल दोस्तों हम लोग कह सकते हैं अबव एवरेज महीना, अबव एवरेज दोस्तों महीना रहने वाला है। बस शादी का ध्यान में देना है, अपने पार्टनर का ध्यान में देना है, और लेडीज को अपने हार्मोन्स का ध्यान में देकर चलना है। अदर देन दोस्तों ये महीना पैसों के लिए, ओवरऑल आपकी प्रतिष्ठा के लिए, गुडविल के लिए, प्रेस्टीज के लिए वो कहीं से भी नुकसान नहीं करेगा। तो आप बस अपने पार्टनर का ध्यान में दीजिए, और जो प्लान करना है आपने इस महीने अपने काम के लिए, काज के लिए, और खासकर स्टूडेंट्स ने अपने लिए जो मैनेज करना यहाँ पे वो करके देखिए, कोई दिक्कत नजर आती नहीं है। चलिए 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ का भी होगा, इनके लिए आप अच्छा बता रहे हैं, मतलब जुलाई का मंथ ऑल ओवर सबके लिए अच्छा ही रहेगा, काफी ठीक रहने वाला है। चलिए अब हम आते हैं आज का लास्ट लग्न, 12 नंबर पाइसेस मीन, गुरु की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा दोस्तों? पाइसेस मीन की बात करके देखें दोस्तों, अब इस कुंडली के अंदर क्या था दोस्तों, अभी का अभी सारे ग्रह थे दोस्तों 4th हाउस के अंदर, यानी कि फैमिली वाला पार्ट, घर वाला पार्ट एक्टिव था दोस्तों, अच्छा था, यहाँ पे सारे ग्रह अच्छे पॉजिटिवली प्लेस थे। तो घर के माहौल की बात करें, प्रॉपर्टी परचेजिंग की बात करें, वो सब दोस्तों हमारी पकड़ में था, अच्छा था, इमोशनली बात कर सब कुछ अच्छा था। तो अब उससे अच्छी बात क्यों होगी कि सभी के सभी ग्रह दोस्तों 5th हाउस में मूव करना शुरू हो जाएंगे दोस्तों, नंबर 4 के अंदर। और सो 5th हाउस बहुत पॉजिटिव हाउस, त्रिकोण यहाँ पे दोस्तों बुध का आना, मदर से प्रॉपर्टी मिलना, मदर का आशीर्वाद मिल जाना दोस्तों, आपके माइंड, आपकी जॉब, आपके इनकम, आपके दोस्तों प्रेस्टीज, इन सब में एनहेंसमेंट होना, फ्लरिशमेंट होना दोस्तों। सूर्य का यहाँ पे आ जाना, 6th का लॉर्ड बन के सूर्य का यहाँ पे आना, माइंड को तो शार्प करेगा दोस्तों, कॉम्पिटिशन में भी आपको सक्सेस दिलाएगा। लेकिन दोस्तों 5th हाउस हो गया आपके पेट का, 6th हाउस सूर्य दोस्तों गर्मी, जो 6th हाउस बीमारी, तो पेट में गर्मी काफी ज्यादा होगी, तो पेट का हमने ध्यान में देना। मुझे लगता है स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है यहाँ पे आपको, तो वो थोड़ा हमें बच के चला कि स्टमक इन्फेक्शन आपको ज्यादा परेशान न करे यहाँ पे। बट अदर देन हम लोग देख के चले, राइवल्स आपका दोस्तों डाउन जाएंगे, आपका कॉम्पिटिशन आपका डाउन जाएगा, पेट का हमें ध्यान में देख के चलना है। मर्क्यूरी का दोस्तों यहाँ पे आ जाना, बहुत अच्छी खबर लेकर आता है दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड इनकम, अनएक्सपेक्टेड गेन, शेयर मार्केट से, जॉब के अंदर गेन, मतलब दोस्तों विदाउट टाइम, मतलब टाइम से पहले आपकी प्रमोशन हो जाना, और आपको कहने की बोनस से प्राप्ति हो जाना ऑफिस में, या दोस्तों अगर आपको कोई सरकारी काम रुका हुआ था, पेंशन आपकी रुकी हुई थी, या कुछ इस तरह की चीज थी, वो भी आपको कहने की सॉल्व हो जाती है चीजें। ओवरऑल हम लोग देख के चले दोस्तों, ये 4th और 5th हाउस ज्यादा एक्टिवेट रहने वाले यहाँ पे, उससे भी अपने को बेनिफिट मिलेगा। हालांकि जाता हुआ दोस्तों लियो के अंदर अगर हम बात करें 19 और 31 को, यहाँ पे दोस्तों 5 नंबर में सारे ग्रह आ जाएंगे बुध को मिला के, तो दोस्तों पेट वाला और इंटेस्टाइन वाला पार्ट, वो इस पूरे महीने आपको परेशान कर सकता है। इनकम की बात करें, फाइनेंस की बात करें, वहां पे आप सेफ हो, माइंड की बात करें वहां पे आप सेफ हो, प्रॉपर्टी की बात करें वहां पे आप सेफ हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव खर्चा नजर नहीं आता। बस दोस्तों पेट का हमें बहुत ध्यान में देना है, इंटेस्टाइन का, और लास्ट में दोस्तों इनको किडनी के इश्यूज है, जिनका दोस्तों किडनी का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको यहाँ पे परेशानी बढ़ सकती है, बिकॉज 6th हाउस आपका ज्यादा ही यहाँ पे नेगेटिव है दोस्तों। ये सब तो हमने बताया शॉर्ट शॉर्ट में, इन सब सब लोग हम वीडियो लाइंड अप करना शुरू करते हैं वन बाय वन डिटेल में। चलिए फ्रेंड्स, स्पाइसेस का इन्होंने बता दिया है, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर पे चले जाना है, लापरवाही नहीं बरतनी। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो आप चाहे तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो आज के लिए इतना ही, संडे की हमारी कौन सा गोचर की वीडियो दोस्तों, हमारी अगली वीडियो गोचर की, उसमें समझाया कि कौन कौन से ग्रह कहां पे जाके कैसा इफेक्ट डालेंगे, क्या क्या त्योहार जुलाई के अंदर है। और दोस्तों उसमें हम लोगों ने काफी सारी बात की है कि सावन का महीना आने वाले गुरु पूर्णिमा, तो उसके बारे में टच करी, तो कल एक हमारी वीडियो देखिएगा दोस्तों आप गोचर की। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं कल की गोचर की वीडियो पे। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।